बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और थोड़ा हट के फ्राइज़ की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ कि इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको आ जाएगा मज़ा और आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसमें ख़ास बात यह कि इसमें आलू भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, मक्खन की तरह हो जाते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से आलू जिसको हम पहले अच्छे से छीन लेंगे। और यहाँ पे जो अहम बात है वो इसकी कटिंग को लेके है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से छील लेने के बाद आपने इसको स्लाइसेस में काट लेना है और उसके बाद स्ट्रेट कटिंग इस तरह से। बहुत ही जल्दी ऐसे कटिंग हो जाती है, आपको किसी मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें जी, अब लेंगे एक खूबसूरत सा बॉल, उसमें पानी ऐड करेंगे और इसको दो तीन दफ़ा पानी में धो लेंगे, उससे इसका स्टार्च ज़रा उतर जाता है। चलें जी, ये पानी चेंज कर देंगे इसका। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे, क्योंकि मिक्सिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बॉल में थोड़ी मुश्किल है। एक चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे और ये आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नमक 1 टीस्पून। और अगली चीज़ जो इसमें जाएगी ये है लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। बहुत ही शानदार इसका फ्लेवर और खुशबू आती है फ्राइज़ के अंदर। चलें जी, इसके अंदर अब हम 2 अंडे ऐड कर देंगे। अच्छा, अंडों का ऐड करना इतना मतलब मज़ेदार काम है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर हो जाता है फ्राइज़ का, मतलब टोटली डिफरेंट। फ्राइज़ की जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सब एक तरफ और जिसमें अंडा ऐड हो जाता है वो एक तरफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्राइंग का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम मैदा, जिसको मैंने अच्छे से पहले छान लिया था, यूज़ करेंगे, ग्रेजुअली ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कोटिंग बहुत मोटी कर सकते हैं, बारीक करेंगे तो क्रम्स वगैरह भी बन जाएंगे, ये अब आपकी प्रेफरेंस पे है। मैं इसके ऊपर कोटिंग को थोड़ा सा मोटा करूँगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहता हूँ। चलें जी, ग्रेजुअली आटा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्राइंग को लेके कुछ बातें हैं बहुत अहम जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। ये देख लें, ये क्वांटिटी मैंने यूज़ की है मैदे की। चलें जी, अब हमने अपनी प्याज़ की कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लिया। लोहे की कढ़ाई मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये साफ़ करना आसान होती है, स्टील की जो होती है वो मैली हो जाती है। तो मीडियम आंच के ऊपर यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया था, इसके ऊपर अब हम फैला के अच्छी तरह से सेपरेट कर करके इसमें जो है फ्राइज़ को ऐड करेंगे। और यहाँ पे अहम बात ये कि जब आपने इनको ऐड कर देना है तो 2 मिनट आपने इनको छेड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं हिलाना। और उसके बाद जब ये अपनी कोटिंग इसकी मज़बूत हो जाएगी, इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी, पक्की हो जाएगी, तब ये देखें आपने एक चम्मच लेना है, हाथ आपके खुश्क होने चाहिए, पानी का एक कतरा आपके हाथ पे या चम्मच पे नहीं होना चाहिए। फिर आपने इनको हल्का सा सेपरेट कर देना है, इनको पलट देना है, मतलब कि जो जी चाहे कर ले। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, उनके हाथ गीले होते हैं और वो जब ऑयल में गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा एक वो प्रॉब्लम सी आ जाती है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको आपने कम से कम 12 से 13 मिनट पकाना है। नॉर्मली जो फ्राइज़ का टाइम होता है वो 7 से 8 मिनट होता है, लेकिन इसके ऊपर चूंकि मैदे की एक मोटी तय है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए आप कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। ओवर फ्राइंग की वजह से इसके अंदर जो आलू है वो बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा। इसको आपने फौरन सर्व करना है, इसको स्टे नहीं देना आपने, जैसे इसको आप प्लेट में निकालें आपने सर्व कर देना। इसी तरह से हम बाकी फ्राइज़ को भी फ्राई कर लेंगे। और अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ कि ये कैसे बने हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं जो उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल पे नया है जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, प्यार से कमेंट और दीजिए इजाज़त। अंसारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।